हाय दोस्तों, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ये खांसी का। अभी तक सही से क्लियर नहीं हुआ, तो हो जाएगा, हफ्ता दिन टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आज आया था मेरा पास होंडा का ड्यू, ठीक है ना। स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बोला पेट्रोल पंप से तेल भरे यार, किक मारे स्टार्ट नहीं हुआ, दो चार किक मारे स्टार्ट नहीं हुआ, दोबारा मारे तो किक सीज हो गया, और बैटरी भी डाउन था उनका, तो सेल भी काम नहीं किया। तो मेरा पास लाया, तो लाने का बाद बोलो ये थोड़ा स्कूटी के देखो स्टार्ट नहीं हो रहा है, पेट्रोल है ना। बोले पेट्रोल तो था, फिर भी हम बोले जब बन कर पाम नज़दीक में मिल गया तो 200 का भर लेते हैं पे, तो 200 का पेट्रोल डाला, किक मारता है स्टार्ट नहीं होता है। सात आठ किक मारा, वो बोला 10 किक का आसपास मारा, तो हमें 6-7 किक तो जरूर मारा, तो बोला नहीं हुआ। तो हम गुस्सा में दो बार या तीन बार बहुत जोर से किक मारा, तो किक फंस गया, बिल्कुल सीज हो गया। तो मेरा आदमी को बोले देखो, मेंशन करके देखो क्या हुआ, किक मारो। बोलता है किक सीज हो गया। हम बोले चलो मोबाइल चेक करो, अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो इंजन सीज हो गया शायद। तो दोस्तों मोबाइल बिल्कुल सही था, तो हम लोग बोले टाइम लगेगा, 1 घंटा देखना होगा क्या हुआ। बोले ठीक है खुलो। तो खुलने का बाद देखते कारण पलक खुले, तो कारण चेक करना है हम लोग को, कारण आएगा कि नहीं, कारण तो चेक करना होगा। पलक कब खुले तो बोले किक मारो। पहले जब बाइक ओनर ने बोला किक सीज हो गया, हम लोग भी देखे तो किक मारने का किक होता नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, टाइफिट कवर भी खुले, तो फटाफट से टाइफिट कवर भी खुले, टाइफिट भी मिलेंगे, और किक चंबर, हम बोले किक चंबर खुलो। खुलने के बाद जो किक रेजर है उसमें हम लोग मोबाइल दिए थोड़ा बहुत, हम वीडियो में देखा भी दिया थोड़ा बहुत 2-3 सेकेंड, और वीडियो अपलोड भी हो गया। दोस्तों वो गाड़ी का प्रॉब्लम था बिल्कुल सही था। तो यार फिल्टर भी हम लोग चेंज किए, यार फिल्टर कर ले 180 रुपया दोस्त, और हम लोग का मुजदूरी ले ओनली 100 रुपया। 100 रुपया में गाड़ी स्टार्ट हो गया स्कूटी, और 180 रुपया यार फिल्टर का दोस्त, तो टोटल में 280 रुपया ले। 100 रुपया सिर्फ मेरा चार्ज ले, मैकेनिक का चार्ज 100 रुपया ले दोस्तों, ओनली 100 रुपया। तो बिल्कुल सक्सेस हो गया। तो कार्बेटा का टूलिंग भी मिला दे, तो हम बोले मारो किक बिना पिकअप हाथ लगा के मारो किक, मतलब टोटल देना नहीं पड़ेगा, एस्केलेटर पकड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ किक मारना। तो किक मारा, दो किक स्टार हुआ। बोले वाह, अभी तो हाफ किक में भी स्टार होता है। बोला अभी चलाओ कोई बात नहीं, अगर बाई दो बाई नहीं हुआ किक से बिना छोटा लगा नहीं दीजिएगा, तो अगर नहीं हुआ मतलब पिकअप का जो है ना, पिकअप का वेट ऐसा खींच के मारना पड़ता है कोई कोई गाड़ी में, वो अभी पिकअप देने का कोई जरूरत ना अपने हो जाता है। हम बोले अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत हल्का एस्केलेटर देना, मतलब छोटा हल्का देना एस्केलेटर को, थोड़ा सा घुमाना, अगर ज़्यादा घुमाना तो स्टार्ट नहीं होगा, हल्का सा घुमाना। बोले तो हम प्रैक्टिकली उनको देखा दिया, ऐसा ऐसा करो, पकड़ो ऐसे और सिर्फ किक मारो तुम्हारा। तो एक बार क्या फुल पिकअप मारे, हमने चलो फुल टोटल मारो, पूरा पिकअप पकड़ के किक मारा, नहीं होना नहीं होना तो ऐसे कभी मत मारना, थोड़ा सा पकड़ो, थोड़ा सा पिकअप लो और मारो किक, तो हो गया। अगर बाई दो भाई एस्केलेटर में हाथ नहीं लगागा, नहीं हुआ किक, तो बाई दो भाई तो थोड़ा सा टोटल लेना, हल्का सा पिकअप लेके मारना कि बिल्कुल स्टार हो जाएगा। तो मुझे बोला अरे वीडियो का ही करते हो दोस्त, बाद में देखना है क्या। हमने नहीं, मेरा चैनल भी है यूट्यूब में। बोले क्या नाम से, उन्होंने मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक दिनेश आ जाएगा, सिर्फ मेरा वहीं पर नाम है मिथुन मंडल, ठीक है ना। बाद में हम चेंज कर सकते हैं, जैसा मिथुन मंडल है मोटरसाइकिल मैकेनिक दे देंगे बाद में हम, तो सिर्फ मिथुन मंडल ही दो है। तो हम बोले मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक दिनेश आ जाएगा, या नेशनल हाईवे, या कानकी मोटरसाइकिल मैकेनिक, या किशनगंज मोटरसाइकिल मैकेनिक दिनेश भी आ जाएगा। तो उन्होंने फट से मोबाइल निकला, यूट्यूब में सर्च करो, हाँ भाई यही ना मिथुन मंडल, हाँ जी। हम बोले 4 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, तो मेरा कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम था, 50 सेकंड का वीडियो हम उसमें रिकॉर्ड नहीं किए, काम भी था थोड़ा बहुत, आदमी भी बहुत था बात, तो पहले 6-7 सेकंड बनाए तो हम बात करते थे, इसमें प्रॉब्लम हो गया स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो आदमी आ गया भाई ये करो करो, तो दिक्कत है, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, ऐसे छोड़ दे, बाद में भी छोड़े तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम NCS का म्यूजिक डाल दे, नो कॉपीराइट सॉन्ग। तो दोस्तों करीब आधा घंटा पहले अपलोड हो गया वीडियो, स्कूटी स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व, इंस्टॉलेशन देने से आ जाएगा होंडा ड्यू। तो दोस्तों
चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको प्रेस करें दोस्तों, और वीडियो शेयर भी करें दोस्त, दो या तीन दोस्त का बाद जरूर शेयर करें, या फेसबुक में करें या व्हाट्सएप में क्या दूसरा चीज में करें, जरूर शेयर करें दो तीन दोस्त का पास। दोस्तों शेयर करने से पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ ऐसे क्लिक करना है वीडियो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हर आदमी को काम आए। बोले कैसा काम आएगा, वीडियो आपका है, चैनल आपका, काम कैसा आएगा? तो दोस्त ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम बता देते हैं अपना, कभी कभी क्या होता है अपना हाथ से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत आदमी घबराते हैं ये प्रॉब्लम के लिए कितना होगा, शायद 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा ऐसा काम है ना, आप लोग को लगेगा 2-3 हज़ार खर्चा, नहीं दोस्त, 200-300 में काम बन जाएगा। इस हम लोग का चैनल में आइए और वीडियो देखिए, बहुत सारा ढेर सारा वीडियो डलवाए, कौन सा पार्ट्स का दाम कितना, हम कितना मजदूरी था, हर चीज़ हम शेयर करते हैं आप लोग के साथ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत आदमी कमेंट भी करता है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, जैसे हमको टाइम मिलता है हम रिप्लाई देते हैं, कोशिश करते देने के लिए, टाइम मिलता है तो देते हैं, जितना हमसे होता है उतना हम देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक दोस्त मेरा फ़ोन किया, मेरा गैरेज से करीब 10 किलोमीटर, मेरा घर से 5-6 किलोमीटर, ठीक है ना, मेरा गैरेज से 10 किलोमीटर दूर और मेरा घर से 5 किलोमीटर। तो बोला मिथुन भाई ऐसा ग्लैमर गाड़ी है, तो बैटरी खराब है उसका, कभी करंट आता है कभी नहीं आता, और बैटरी भी गर्म हो जाता है। बोले बैटरी का जब वायर खुलता है तो गर्म कैसे होगा? बोले जैसे बैटरी खुलते हैं ना, फिटिंग कर देते हैं थोड़ा बहुत चालू, जब बैटरी हीट हो जाता है, स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। बोले चलो एक काम करो, अभी बैटरी खुलने के बाद क्या होता है? बोला करंट नहीं आता है। बोले तो एक काम करो, तो रेगुलेटर खुल के देखो, हो सकता है कहीं BS4 में दोस्तों चूहा ने तार काट दिया था, वायर सब काट दिया था BS4 का, ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें करंट गैप होगा। बोले अरे भाई सब तो ठीक है, तो पीछे वाला टेल पैनल खुले, अक्सर दोस्तों ग्लैमर का पीछे वाला टेल पैनल जो होता है ना, साइड में जो पैनल होता है, तो दोस्तों ये सब जो पैनल होता है साइड में ग्लैमर का, ये सब ये बहुत कमजोरी होता है, आवाज़ करता है, ठीक है ना, टूट जाता है साइड से और गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करता है बेड में चले रास्ता में सब। तो दोस्तों खुलने का बाद देखते चूहा ने तार काट दिया। तो दोस्तों टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बोले चलो उनको बोले तो रेगुलेटर भी चेक कर लो, बोले सब चेक कर लो। बोले आइडियाज हम कैसे बताएंगे, टेक्निकल काम है, हो सकता है आपका कॉइल प्लेस से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है साइड में से वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी हैंडल मुड़ते तो करंट गायब हो जाता है, फिर हैंडल सीधा रहते तो करंट आ जाता है, ऐसा भी होता है। कभी टेक्निकल काम है, बिना देखे बोलना नामुमकिन है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम तो आइडिया से बोल देंगे दोस्त, हाँ चलो हैंडल का साइड से देखो वायरिंग काटा हुआ है, तो फारवार देखो लगा लो हो जाएगा। तो मेरा पास ऐसा प्रॉब्लम आया था इस्लामाबाद में, मगर टेक्निकल काम, हो सकता है आपका पास जो गाड़ी गया गले मार उसमें दूसरा प्रॉब्लम हो गया, कोयल से भी प्रॉब्लम हो सकता है, रेगुलेटर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम बोले धीरे धीरे चेक करो, दूसरा गले मार अगर है, अगर दूसरा गले मार अगर है तो साइड में उसको बुलाओ, उसका रेगुलेटर खुल के चेक करो, अगर नहीं हुआ तो वायरिंग फिर देखो, तो फिर मैग्नेट सेट खुलो, होगा काहे नहीं। तो दोस्तों काम करने का भी तरीका होता है, लाइन से काम करना पड़ा, एक लाइन से चलो पहले रेगुलेटर चेक करिया, नहीं हुआ तो इधर से बैटरी भी देखा, हो सकता है कभी कभी क्या होता है बैटरी में मिस्टेक होता है, CDI में भी मिस्टेक होता है दोस्तों, CDI से भी ऐसा हो जाता है मिस्टेक। तो टेक्निकल काम है, कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत दूसरा आदमी अगर दूसरा आदमी का पास गया बोलेगा नहीं दोस्त ये तो CDI का प्रॉब्लम, हो सकता है आपका CDI प्रॉब्लम होगा, मेरा साथ रेगुलेटर का प्रॉब्लम हुआ, आपका साथ कॉइल प्लेट का अंदर से कॉइल से प्रॉब्लम हो सकेगा। टेक्निकल काम है, कौन सा गाड़ी में कोई सा प्रॉब्लम हो जाएगा बोलना नामुमकिन है। तो देख के एक एक कॉइल चेक करना पड़ेगा, तभी सामने आ जाएगा प्रॉब्लम और उस टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होगा पक्का। तो दोस्तों ऐसा अगर बता देंगे वो काम करो हो जाएगा, तो काम में मज़ा नहीं आएगा, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया दोस्तों तो काम में क्या करना पड़ेगा, पहले मेहनत करना पड़ेगा, 1 घंटा नहीं हुआ 2 घंटा मेहनत करो, नहीं हुआ उस टाइम क्या होगा, हम लोग का मेमोरी खराब हो जाता है उस टाइम, मतलब अजब गजब का टेंशन आ जाता है, शायद पलक से हो गया प्रॉब्लम करंट मिस्टेक, शायद सीट का नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस टाइम माथा काम नहीं होता, कभी कभी गाड़ी को ऐसा मारते भी है अरे यार क्या हो गया। तो अगर 1-2 घंटा बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है
तो दोस्तों 1-2 घंटा मेहनत करने का बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उस टाइम दोस्त बहुत ही आनंद हो जाता है। मतलब आनंद ऐसा लगता है, अरे भाई छोटा सा तो प्रॉब्लम था, इतना सा प्रॉब्लम, इतना सा मगर इतना मेहनत किया फिर भी नज़दीक नहीं आया, तो छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम, तो उस टाइम मज़ा आ जाता है। साला इतना सा प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पे प्रॉब्लम था, हम लोग पूरा गाड़ी खोजे तो नहीं मिला, पूरा गाड़ी को खोजे मगर प्रॉब्लम नहीं निकला, मगर बीमारी छोटा सा इतना सा प्रॉब्लम, तो उस सब काम में मज़ा आता है। पहले 1-2 घंटा मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं होता, बाद में अगर फल नज़दीक आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नज़दीक आने का साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, मेरा बात बोलते हैं, दूसरा का बात नहीं बोलते, मेरा ही बात खुद का बात बोलते हैं। तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे तार कटा हुआ है, तो फटाफट जुड़ते हैं और किक मारते, देखते काम हुआ कि नहीं, देख देखते कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया तो हो गया, उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अरे साला यहाँ से प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है और मेहनत कितना की है, तो मज़ा आता है। अगर कोई बता दे ऐसा ये करो यहाँ पे प्रॉब्लम, तो काम में कोई मज़ा नहीं आता है, मेहनत करो दोस्त। हम भी बहुत मेहनत करते, आगे भी करेंगे और करते भी रहेंगे, टेक्निकल काम है। और अभी आ जाता है BS6, उसमें और भी प्रॉब्लम है, करीब हम लोग को 1 साल प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, 1 साल थोड़ा बहुत 1 साल टाइम लगेगा। कोई गाड़ी आ गया स्टीयरिंग प्रॉब्लम, तो उसमें 1-1.5 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे 10-15 मिनट जैसा कार्बेटर वाला आ जाएगा तो तुरंत हम लोग का माइंड में घुस जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे, गाड़ी होना ही स्टार, अगर नहीं हो तो बोल देंगे वो सामान खराब है, टाइम लगेगा, वो सामान ला के लगाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा 90% सक्सेस। तो दोस्तों अभी BS6 है, थोड़ा 1 साल हम लोग को टाइम लगेगा, माइंड में ये जो माइंड है ना, ये मेमोरी भी जल्दी हैंग कर जाएगा, फॉर्मेट मारना पड़ेगा कभी कभी, फॉर्मेट मेरा फॉर्मेट कौन सा मिस्त्री मारते मालूम है ना दोस्त, मेरा खुद का जब मेमोरी फुल हो जाता है, भाईरा जाता है, तो फॉर्मेट मारने के लिए हम चल जाते हैं टूर में, 100-200-300 किलोमीटर दूर चल जाते हैं, कहीं पे होटल होटल में रह गए, थोड़ा बहुत घूमते, बाइक लेके जाते हैं हम दोस्त, अपना गाड़ी है तो सही है। तो दोस्तों मेरा बाइक का बहुत शक था यार, बहुत चलाए बाइक, बहुत चलाए बाइक, अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, थंडर वाट इतना चलाए, थंडर वाट रॉयल इनफील्ड थंडर वाट 350 इतना चलाए, थंडर वाट चला के ठंडा पकड़ लिया मेरा सिरा में, अभी भी खांसी का प्रॉब्लम है, साल में एक बार आता है, लोकल में जितना भी दवाई खाते सक्सेस नहीं होता है, किसानगंज जाते हैं आसिफ राजा के पास, सिर्फ एलर्जी का गुल्ली देता है और कफ सिरप तो बिल्कुल सही है, तो कफ सिरप तो हम लाए, एलर्जी का वो दवाई पुर्जा भी नहीं, लॉकडाउन में घर सफाई उफाई गया सब फेंक दें, तो वही दवाई के लिए हम क्लियर नहीं हुआ, 30% कम हुआ मगर 70% नहीं हुआ, वो एकदम 100% क्लियर करना हुआ, फिर 1 साल बात हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने के लिए, हम घर का देसी इलाज शुरू कर दें, अपना खुद का मेमोरी से दिमाग लेके थोड़ा बहुत शुरू कर दे देसी जुगाड़, शायद हो जाएगा, 80% सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का साथ जैसे हम बात करना शुरू करते हैं, कैमरा रखने का मूड होता ही नहीं है, लगते बात करते रहे। तो दोस्तों बात करेंगे आप लोग से 2-3 घंटा सुपारी करेंगे, लाए पाएंगे तब हम बात करेंगे 2022 में, अभी नहीं आ पाएंगे दोस्त, टाइम भी बहुत देंगे उस टाइम, बहुत टाइम देंगे हम, टाइम क्या देंगे, सिर्फ संडे को हम टाइम दे पाएंगे, ठीक है ना, संडे को हम दुकान नहीं आएंगे, आप लोग को साथ 1-2 घंटा टाइम देंगे, और हमको 2-1 घंटा घूमना चाहिए, घर का भी थोड़ा बहुत काम होता है, साफ सफाई का वो भी करना पड़ता है, और 100-200 किलोमीटर हमको बाइक चलाना है, उधर उधर जाना होगा, थोड़ा माइंड भी फ्री करना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी फिर भी कम चलाते हैं बाइक, ठंडा पकड़ लिया इसलिए खांसी का भी प्रॉब्लम है, अभी उतना मूड नहीं है बाइक चलाने के लिए, मेरा कि स्प्लेंडर है वही ठीक है, धीरे धीरे चलाते 40-50 मिनट, कार लिया परसों दोस्त, उतना याद नहीं रहता है, सुबह कौन चीज़ से हम खाना खाए भूल जाते हैं भाई, याद नहीं रहता है, माइंड काम नहीं करता है, काल या परसों शायद पिस्टन लगाए, ओनली पिस्टन लगाए हीरो का, ठीक है ना, इंजन ऑयल चेक किया, देखते इंजन ऑयल नहीं, मेरा माइंड गर्म हो गया, खुलने के बाद देखते 400 ग्राम 600 ग्राम इंजन ऑयल आउट, कैसे आउट हो गया, साइलेंसर में उंगली घुसा, देखते कचरा आ गया, फटाफट बोले खुलो, मेरा पैसा का भी थोड़ा दिक्कत था, तो क्या करेंगे, 200 रुपया लेके मेरा स्टाफ को भेजे जाओ बोरिंग करने के लिए, भाड़ा देना और बोरिंग का पैसा दे देना, और जैसे पिस्टन लेना हीरो एजेंसी में, तो
जाके वहीं पे मेरे को कॉल करना, हम बात करा देना। बात करा बोले हाँ मिथुन भाई 700 रुपये हो गए स्प्लेंडर का, 50 का बोले कोई बात नहीं स्टोन दे दीजिए मेरे आदमी को, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं गूगल पे में। तो गूगल पे में हम भेज दिए 700 रुपया हीरो का स्टोन लगाए, SAL हीरो का पिस्टन में लिखा होता है दोस्तों, SAL रिंग में लिखा है उषा, बिल्कुल ही चलेगा। अभी साल भर कम से कम साल भर के रंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरा पास हाउजिंग भी रखा हुआ है, वो हाउजिंग हम सोचे दिसंबर में खुलेंगे इंजन को 5-6 हज़ार का, करीब 6 हज़ार के आसपास में पार्ट्स घुसाएंगे अंदर में, ठीक है ना, इंजन का अंदर में हाउजिंग के रंग। शायद हम कोशिश किए के रंग न्यू लगेंगे, तो के रंग बोला 39 रुपया, मेरा तो मेमोरी हैंग हो गया दोस्त, 39 रुपया। ग्लैमर का दाम 3 हज़ार के रंग का, स्प्लेंडर का 4 हज़ार हो गया। तो हम सोचे चलो बना लेंगे, तो अभी दिसंबर में नहीं खोलेंगे दोस्तों, जितना दिन चले चलने दीजिए, चाहे 1 महीना चले चाहे 2 साल चले कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। जब खुलेंगे इंजन तो वीडियो बनाएंगे अपना गाड़ी का क्या क्या डालते हम, और जैसे इंजन बनाएंगे अगर इंजन वाला रहेगा, अगर केरंग का कैनाटिंग अगर सही से दे देगा अच्छा वाला क्वालिटी का पार्ट्स कैनाटिंग, ठीक है ना, का बहुत ही पुराना बाइक है, कैनाटिंग अगर अच्छा कंपनी का मिल गया उषा का मिलेगा तो उषा का हम कोशिश करेंगे लगाएंगे। उषा का मिलता है उषा या सियाराम का, उसका दाम ज़्यादा है, कैनाटिंग का सिर्फ 1,100 रुपया लेगा वो, अगर लगा देंगे अगर सही से फिटिंग कर देगा टाल उल सही से देख लेगा मशीन से दोस्तों, 4-5 साल में इंजन में हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ धुआं मारेगा तो पिस्टन बदल देंगे रिंग डाल देंगे फिर भी 30-40 हज़ार किलोमीटर चलेगा एक पिस्टन। और अभी हम ऐसा राफ चलाता भी नहीं है, 50 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा, अगर राफ चलेंगे तो 20-30-40 ऐसा चलता है, 20 हज़ार में भी जवाब देता है राफ चलाने से चलेगा। एक गियर में हम डाल दिए 4 गियर में, किला डब के चलाते ठोटाल देते जाते मतलब स्केलेटर फुल देते रहते, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, उसका भी जान है ना। तो दोस्तों पिस्टन बाल पिस्टन लगाए दोस्तों, बोरिंग किए, पैकिंग किट लगाए, 1,000 रुपया खर्चा हुआ सिर्फ उधर, और इंजन ऑयल जो जा रहा है इंजन ऑयल तो मेरा हाँ ठीक है आते हैं। तो इंजन ऑयल तो हम लोग का पास था विडोल का, विडोल ही डालते हैं शुरू से, हमको बेस्ट अच्छा लगता है विडोल, कैस्ट्रोल बहुत बढ़िया, अगर ज़्यादा पुराना है तो विडोल डाले बिल्कुल सही है, इंजन ऑयल भी जेन्युइन हो गया मतलब मोबाइल भी जेन्युइन हो गया, गाड़ी भी आपका टर्न चलेगा कोई दिक्कत नहीं, विडोल बिल्कुल सही है, मेरा अपना गाड़ी में आपका मर्जी आप जे डाले, हीरो सार्बो कैस्ट्रोल मोटोल विडोल बहुत सारा क्वालिटी आता है, बजाज बहुत सारा क्वालिटी आता है दोस्तों, आपका जो मर्जी वही डाले कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, तो दोस्तों टेक्निकल काम है कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है हम मानते हैं, तो इसे बहुत आदमी हम बोलते हैं मिथुन भाई नंबर दो नंबर दो नंबर दिए से दिक्कत बहुत होता है यार, नंबर मिलेगा आपको जरूर मिलेगा, नंबर सभी को मिलेगा दिक्कत नहीं, 2022 में मिल जाएगा, अगर ज़्यादा परेशानी लगेगा नंबर भी हम देंगे, अगर देखेंगे 1-2 महीना अगर ज़्यादा परेशानी होता है काम में तो हमको सिम बंद करना पड़ेगा फिर से, मगर देंगे हम देखेंगे कैसा होता है, नंबर देंगे 2022 में, कब देंगे आपको वीडियो हमेशा देखते रहना पड़ेगा, कब डाल देंगे चैनल में स्क्रीन में आ जाएगा, वीडियो नहीं देखेगा तो मालूम भी नहीं होगा, हम एक दिन पहले बता देंगे दोस्त, हो सकता मूड बन गया तो हो सकता हफ्ता 10 दिन में भी नंबर डाल देते स्क्रीन में आ जाएगा, तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो नहीं देखने से कब नंबर डाल देंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कब छोड़ेगा, जब मूड सही होगा हफ्ता 10 दिन में हम डाल देंगे, वैसा कोई बात नहीं, मेरा मूड का ऊपर चलते हम, मूड जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं, मेरा माइंड जो बोलता है वैसा ही, माइंड हो गया भाई अभी 5 बज गया काम भी नहीं है बंद कर दीजिए, चलो बंद करके चला गया कोई दिक्कत नहीं है, आदमी भी ऐसा है हम दिल डाल भरा आदमी का किसी का बात नहीं चलेंगे, अपना मन का राजा हो हम ऐसा ही चलते, काम आने से दोस्तों जैसे हम काम पकड़ लिए दोस्तों कोई भी फोन करे हम फोन नहीं उठाएंगे, काम अगर फंस गया काम नहीं होता, काम सक्सेस होगा तभी फोन उठाएंगे, अगर नहीं हुआ मेहनत करने का वक्त तब देखेंगे कौन कॉल किया, अगर जान पहचान आदमी है तो जरूरी है तब करते, नहीं तो नहीं बाद में, तो रात में नहीं तो हो गया काम, 2 बार या 3 बार जरूर करेगा तभी हम देखेंगे। तो दोस्तों
आप लोग का साथ हम जैसे बात करते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का साथ बात करके, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बात करते हैं। काम छोड़ के भी आप लोग का साथ हम बात करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्त, मुझे थोड़ा चुना भी लगेगा ये वीडियो अपलोड करने में। मेरे को 2 GB मिलता है, शायद 3 GB चल जाएगा। 3 GB में दोस्तों 11 रुपया मारना पड़ेगा, 1 GB। अगर 51 रुपया मारेंगे तो 6 GB मिलता है, पहले कम था, अभी ज़्यादा रहता है। 51 रुपया मारने से 6 GB, 6 GB, 51 रुपीज़ अगर डालेंगे नेट पैक तो 6 GB, मतलब 51 रुपये में 6 GB। तो 2 GB तो मेरा पास है ही है, फिर से 11 रुपया मारना पड़ेगा 1 GB दोस्त। आप लोग के लिए हम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा हो गया वीडियो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, वीडियो ज़रूर शेयर करें।